Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Yesterday we have started unit 2 of grammar club. Today we are continuing the same unit and we will hopefully finish that unit today. Objectives for today are use everyone, everybody and no one in daily life by doing given exercise. So let us start our chapter. Okay to the students, up till yesterday we have done exercise A, B and C. Today we are going to do other exercises. So starting from exercise D. Today we are going to discuss the concept of everyone. Everyone ka matlab hota hai har koi. So in D exercise, write sentences starting with everyone is. Yani aapne jo bhi sentence likhna hai, usko start karna hai. Everyone is के साथ आप पिक्चर देखेंगे जो आपको टेबल फ्रेज लगेगी वो आप बॉक्स में से चूज करेंगे और उसको पुट करेंगे जैसे आपको फर्स्ट सेंटेंस में दिख रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर ईटिंग आइसक्रीम सॉरी ऑल द चिल्ड्रन आर ईटिंग आइसक्रीम सो हियर वी कैन राइट एवरीवन इज ईटिंग आइसक्रीम सिमिलरली यू विल डू द पॉइंट और नंबर 2, 3 and 4 नाउ लुक एट एक्सरसाइज ई Here we are going to discuss the topic no one. No one का मतलब होता है कोई भी नहीं ठीक है लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है जैसे सेंटेंस वन पढ़े ये एक्सरसाइज का एवरी वन वॉन्ट्स टू स्टे एट द पार्टी यानी हर कोई पार्टी में रहना चाहता है नो वन वॉन्ट्स टू गो होम कोई भी घर नहीं जाना चाहता यानी इन तमाम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो घर जाना चाहे इसी तरह यू विल जस्ट हैव टू Read the sentence and then pick up the right phrase from the box and complete this exercise. Now go to exercise F. It is interesting. Write everyone, someone or no one. Just you have to look at the picture. Look at picture number one. All the children are sitting and they are just listening to the music. No one is singing. So here we will write no one is singing. अब नेक्स्ट पिक्चर में देखें बेटा यहाँ पर तीन चार बच्चे आपको नजर आ रहे हैं एक के सर पर हैट है बाकी तीनों के सर पर नहीं है तो ब्लैंक कैसे फिल होगी डैश इज वेयरिंग हैट तो हमारे पास वर्ड है एवरीवन समवन और नो वन एवरीवन इज वेयरिंग अ हैट इसका तो मतलब है हर किसी ने हैट पहनी है ये तो हम नहीं लिख सकते नो वन इज वेयरिंग अ हैट किसी ने हैट नहीं पहनी ऐसा भी नहीं है एक बंदे ने तो पहनी भी है सो वी विल राइट Someone is wearing a hat. यानी कोई एक या किसी एक ने जो है वो हैट पहनी हुई है Similarly, you will do all other pictures like that. Now, before going to exercise D, look here. Some words are written. Somebody, anybody, everybody and nobody. इसमें कोई मुश्किल नहीं है जो हम वर्ड someone, anyone, everyone और no one यूज कर रहे हैं उन्हीं के साथ अगर हम बडी लगा देंगे यानी बी ओ डी वाई लगा देंगे तो उसका मीनिंग भी वही बने इसी चीज को एक्सरसाइज जी में लिखा गया है रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स विद बॉडी एवरीवन अराइव्ड एट क्वार्टर पास्ट टू तो आपने एवरीवन को रिप्लेस करके लिख देना एवरीबॉडी अराइव्ड एट क्वार्टर पास्ट टू नो वन है तो उसको आप रिप्लेस करके क्या लिखेंगे नोबडी इसी तरह ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी और गौर से सुन ले बेटा आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज जी नेक्स्ट पेज पर रिव्यू एक्सरसाइज है वो आपने खुद करनी है अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बच्चा मुझे अपनी क्लास के सेक्शन वाइज जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप में आकर मुझसे पूछ सकता है कि टीचर इस रिव्यू एक्सरसाइज को कैसे करना है आई विल श्योरली गाइड हिम और हर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़